सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कि प्रीमियम प्रो में बेसिक सिखाएंगे कि उसमें वीडियो कैसे एडिट करें, कैसे ना करें, और ऑडियो कैसे इंपोर्ट करें। और आज की वीडियो का ये पहला एपिसोड है, आज हम पहला एपिसोड कवर करेंगे। अगर आपके पास प्रीमियम प्रो ऐप जो ऐप है CC 220 मतलब लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उस पर, उसमें मैंने सिखाया था कि कैसे फ्री में डाउनलोड करें। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम प्रीमियर प्रो का यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। तो बेसिकली प्रीमियर प्रो हमारा जो होता है वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना हमारे काम है, हम सिर्फ उतना सीखेंगे जैसे कि हमें यूट्यूब पर वीडियो एडिट करनी है, सिर्फ वही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीमियर प्रो को। कल हमें डाउनलोड किया तो यहाँ हमें मिलेगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रो हमारा ओपन हो चुका है। तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो स्टार्ट हो गया। ये हमारा इंटरफेस होता है होम का। जैसे हम प्रीमियम प्रो ओपन करेंगे तो ये दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले होता है होम, होम मतलब होम ही होता है। उसके बाद ये रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, सेव हो जाते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम करना है, नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पर जाते हैं, तो इसमें हम आता है नाम लिखने के लिए, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ चैनल का। इसके बाद ये हमारी जो पाथ है वो पाथ सेट होता है, कहाँ से होगा। उसके बाद ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है कि GPU पे। तो मेरा ग्राफिक कार्ड डाला हुआ है, तो मेरे सिस्टम में थोड़ा मैंने खर्चा कर रखा है, तो इसमें इंजन है GPU है, तो हम इस पर करेंगे, परफॉर्मेंस बेटर देगा। टाइम कोड रहने तो इसको TV रहने तो ऑडियो रहने तो और ओपन कर दो और शेयर गैस कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे मैंने गैस कर दिया। ये देखो नई विंडो खुल गई, इतना कोई देख कर डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। बस एक बार आप तरीके से समझ लो और वीडियो पूरी एंड तक देखना, मैं आपको हर चीज़ समझा दूँगा। और आज के लिए और वैसे सीरीज बनेगी के लिए अच्छे से देखते रहना। तो देखो ये होता है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होता है प्रोजेक्ट खरीद। इस प्रोजेक्ट में जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो हमारी वीडियो ऑडियो एंड एनिमेशन एंड टेम्पलेट एंड फोटो, आप आज मैं उसको सब करके दिखाऊँगा कैसे डालते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सब वो मटेरियल लाते हैं, वो लाते कैसे वो बताऊँगा। उसके बाद लाने के लिए टाइम लाइन यानी उसको हम देखते हैं कि हमारी वीडियो पे फ्रेम रेट्स आते हैं, ऑडियो पे फ्रेम रेट्स आते हैं, और इस वीडियो पे हम जो इम्पोर्ट किया होता है वो हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। और ये पैनल होता है एडिटिंग पे, जो हमारा ये सारा काम यहाँ परफॉर्म होते हुए दिखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ, तो इम्पोर्टेंट पर इम्पोर्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक करके इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट से मेरा खुल जाएगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक वो बना रखा है टेम्प, मतलब कि मैंने थोड़ी रॉ मटेरियल निकाला है इंटरनेट से, कॉपीराइट फ्री है। तो उन वीडियो पे हम ट्रायल करेंगे, न्यू फोल्डर बना रखा है। तो ये था ये पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो, एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने मेरे हिसाब से फोल्डर बना के जो भी आपको एडिट करना है उसमें रखें। दोनों चीज़ों को ले लिया, ओपन कर लिया, जो मैं आपको इम्पोर्ट करना सिखाऊंगा। देख पा रहे हैं कि जैसे दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, दोनों हमारी वीडियो हैं। जैसे मैंने बताया था इस वीडियो को हमें देखना है पहले, बाद में एडिट करना है, तो पहले हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमें इतना ही जैसे वीडियो देखो क्लियर हुआ, इसमें एनिमेशन है, ये हमने कॉपीराइट फ्री वीडियो है, इसका हम ओनली यूज़ लगने के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट क्लियर नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो को वहाँ ले लेते हैं। एक तो ये तरीका होता है, ये वीडियो हमारी टाइम लाइन में आगे, और एक तरीका ये एक तरीका यहाँ डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, आपको पता है आपको बस वीडियो यहाँ लेनी है, आपको पूरी वीडियो लेनी है वीडियो, तो उसको फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं पूरी वीडियो वाली। और इस तरीके से हम दूसरी वीडियो को टाइम लाइन में ला सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो दोनों वीडियो हमारी टाइम लाइन में आ चुकी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था जो भी वर्क होता है हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, तो हम यहाँ पेज बटन दबा के परफॉर्म करेंगे, दोनों वीडियो ऐड ऑन हो चुकी हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये तो हो गई वीडियो की बात। ओके, हम इसको जूम कर सकते हैं यहाँ से, जिसको आउट कर सकते हैं। ये हमारा होता है कंट्रोल पैनल, यहाँ से कट लगता है, वो धीरे सब बताएंगे आज के लिए इतना। उसके बाद हम इसमें एक ऑडियो डाल के बताएंगे। ऑडियो मतलब कोई भी म्यूजिक की फाइल होती है, ये हमने कॉपी कर डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। आप गूगल पे करोगे, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपको मिल जाएंगे सब। जैसे कि ये सॉन्ग निकाला था, ये मैंने
इसको ऐड ऑन कर लिया नीचे, तो इस सॉन्ग को भी सेम वैसे हम प्ले कर सकते हैं। इसका यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है, जैसे आपने प्ले किया है, डबल क्लिक किया आपने, प्ले किया, तो आपको यहाँ से सिस्टम, तो आपको यहाँ कट लगाना है, यहाँ से आप गाना लेना है और ये दूसरा कट है यहाँ से, तो इतना गाना आ गया। इस गाने को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ला सकते हैं, तो ऐसे अगर हम प्ले करेंगे वीडियो तो सॉन्ग के साथ प्ले हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा गाना भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। ये आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं और यूट्यूब के लिए भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना चाहिए। ये देखिए दूसरा गाना भी इम्पोर्ट हो चुका है, दूसरा गाना ले रहा। ये बेसिकली गाना नहीं होता, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो लगाने से थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये लग गया, देख ये हो गया, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे, ये मतलब पूरी एक वो आ चुका है। ये देखिए गाना चेंज हो गया। अब इसमें हम इफेक्ट भी लगा सकते हैं। आज के लिए देखो ये वीडियो में आज हमने इतना किया है कि कैसे हम वैसे इसको वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, और बाकी की वीडियो में सब दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इसके बारे में बता दिया हमने, कैसे वीडियो इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, यहाँ से कैसे निकालें, या हम इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज आ गई थी, तो इमेज भी हम कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हम नाम पर रखी हुई है, या किसी की भी आपको बस लगा के दिखा देते हैं, जैसे कोई भी इमेज हो, पिक्चर्स में मिल जाते हैं, कोई सी भी इमेज मिल जाए, डेस्कटॉप की मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। जैसे कि एक और वीडियो है, इसको हम लगा सकते हैं, तो इसको हम सीधे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने वीडियो भी बनाया था। ये आज का ट्यूटोरियल का नाम हो जाएगा हमारा, हाउ टू इंपोर्ट वीडियो एंड सॉन्ग्स। ऐसे हम कोई भी पिक्चर हो तो पिक्चर भी ड्रैग एंड ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये जो यूट्यूब का सब्सक्राइबर है, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में डालना सिखा दूँगा कि कैसे आप अपनी कोई चीज़ वीडियो में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच। आज हम जो चीज़ सीखे, कल हम कुछ और नया सीखेंगे, ऐसे ही मतलब अपने यूट्यूब की वीडियो डालना है, घर पर वीडियो बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।